बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बायोलॉजी क्लास फॉर ग्रेड 9 एंड आई एम हियर विद ज़िविंसा योर बायोलॉजी टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज़ विद योर ग्रेट इंटरेस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। वी हैव कंप्लीटेड इट टुमारो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम, दैट इज़ ऑप्शन बी, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है कि ये सेल के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। नंबर 2, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम बिलोंग्स, दे बिलोंग्स टू प्रोटीन, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर, ऑप्शन बी, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। वैसे तो एंजाइम को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सम टाइम उसके साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयन जो हैं वो अटैच होते हैं, जिन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं, या तो वो लूजली अटैच होते हैं या टाइटली। नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर दो तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम है। अगर टाइटली बाउंड हों तो दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नंबर 5, व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइम रिएक्शन एंड देयर इज़ नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ती जाए सबस्ट्रेट की और एंजाइम में कोई फुल चेंज ना आए, तो क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि सारी की सारा एंजाइम की जो एक्टिव सबस्ट्रेट की एक्टिव साइज जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। सो आंसर इज ए, ऑल एक्टिव साइट्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल। नंबर 6, विच ऑफ दीज which of these graphs correctly shows the effect of temperature on the rate of enzymes controlled action? और स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले कल ये प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है। अगर उससे जाने उस टेम्परेचर के बाद मज़ीद अगर टेम्परेचर बढ़ता रहे तो क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और डीनेचरेशन हो जाती है, और एंजाइम की जो ग्लोबुलर नेचर, थ्री डायमेंशनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। तो दिस ग्राफ शो द डीनेचरेशन, दिस एग्जैक्टली शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ तक तो ऑप्टिमम रेंज है, इसके बाद जो है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाता है एंजाइम्स का ग्लोबुलर नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, एक बात तो पहले आप ये याद रखें कि आपने फुल जो है चैप्टर, यू हैव टू लर्न द फुल चैप्टर, आपने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। सेकेंडली, अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एक मॉडल का है तो आपने दोनों मॉडल करने हैं, लॉक एंड की भी करना है, इंड्यूस फिट मॉडल भी करना है, किसी भी उस पे ये जो है नोट आ सकता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आपने क्या करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके आप खुद से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ट्राई करें, आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर करैक्टरिस्टिक्स। तो आप एंजाइम की डेफिनेशन लेंगे फर्स्ट पेज से और पूरे सब के सब उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं पूरे उसके टॉपिक के साथ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाट इज़ रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, ये फर्स्ट पेज पे है, इंट्रोडक्शन पे, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, जैसे हमने फर्स्ट उस पेज पे किया था जहाँ से हम एंजाइम्स का स्टार्ट करते हैं, दिस वन। यहाँ से आप देखें कि एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज और स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन और दे आर एंड नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये एंजाइम की। और फिर उसके बाद कैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी से, ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ डिफाइन एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ वर्क, ये उससे नेक्स्ट पैराग्राफ ही है, ये आप यहाँ से देखें, एंजाइम्स लोअर सच, ये पैराग्राफ आप इसमें रेफर कर
उसके साथ, ठीक है। ये आपने अपनी और करैक्टरिस्टिक्स का जो था, ये देखिए इस पेज पे है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये सब की सब करैक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है। इसमें आपको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 0 डिग्री एंजाइम्स एक्टिविटी स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसमें आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे, अंदर डीनेचुरेशन हो जाती है तो आप इसमें आंसर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इसके आंसर में आएगा, ठीक है। हाउ डज पीएच इफेक्ट एंजाइम, आप इसमें इफेक्ट ऑफ पीएच लिख देंगे। व्हाट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ देम स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, इसमें आप इसका लास्ट टॉपिक जो है दिस वन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ये लास्ट तक एंड होता है जहाँ तक, वहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। आप देखें इसमें सिर्फ एक पीएच भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, एक सिर्फ रह गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इट्स मीन अगर आप ये तीनों याद कर लेंगे जो फैक्टर्स हैं तो आपके तीन क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, आपने सिर्फ लॉक एंड की नहीं करना, इंड्यूस फिट मॉडल भी करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये आप बुक पे ही मार्क कर लें और बुक से ही याद कर लें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, नंबरिंग के साथ मार्क करें एंड लर्न दिस क्वेश्चन आंसर। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफाइन को फैक्टर एंड को एंजाइम, ये फिर पूरा करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। आपने पूरी कंप्लीट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लर्न करनी है। व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, अब यहाँ सिर्फ पेपर इंडस्ट्री में आपने तीनों जगह पे लिखने हैं, बेवरेज में भी, पेपर इंडस्ट्री में भी और बायो डिटर्जेंट्स में भी आपने, तो सारे यूजेज आपने करने हैं, सिर्फ एक नहीं करना है। इसलिए बायो के चैप्टर में जब आप फुल कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आपके पूरे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अब जो काम बेसिकली आपने क्या करना है, ये जो सारा काम था ये तो आप बुक पे ही मार्क कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है कि द टर्म्स टू नो, आपने इन सब टर्म्स की डेफिनेशन यू हैव टू राइट देम ऑन योर नोटबुक, ये आप मार्क करेंगे, बुक से देखेंगे, सर्च करें और ये कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सब की सब डेफिनेशन यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, दिस इज़ योर रिटन वर्क, ओके, एंड लर्न दिस डेफिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। गुड डे।